और हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा पूर्व नागपुर मीडिया प्रमुख मनोज अग्रवाल के अथक प्रयास से नागपुर महानगर पालिका द्वारा महेश्वर वानप्रस्थ आश्रम एवं उज्जवल गौरक्षण ट्रस्ट में कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के टीकाकरण का एक दिवसीय कैंप आयोजन किया गया। कैंप को नागपुर महानगर पालिका नेहरू नगर जोन के जोनल अधिकारी डॉक्टर प्रीति झरारिया के मार्गदर्शन पर मनपा दिघोरी के नर्सिंग स्टाफ प्रिया भस्मे सूर्यवंशी की टीम द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इस कैंप में वानप्रस्थ आश्रम के सभी वृद्ध रहवासियों एवं कर्मचारियों को कोविशील्ड के डोज दिए गए। साथ में उज्जवल गौरक्षण ट्रस्ट के कर्मचारियों को भी कोविशील्ड के डोज दिए गए। गौरक्षण ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, आश्रम ट्रस्ट अध्यक्ष सरला सोमानी, रमाकांत सारडा, किरण मुंदड़ा, मधु सारडा, सुशील फतेहपुरिया ने सभी का आभार माना। ओम प्रकाश बंग, पीके शर्मा, प्रदीप तिवारी ने इस कैंप के सफल आयोजन में योगदान दिया। खंडवानी टाउन वाठोड़ा में शर्मा परिवार की यजमानी में जारी श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण रुक्मिणी विवाह संपन्न हुआ। वृंदावन के पंडित प्रमोद कृष्ण शास्त्री मुखारबिंद से जारी कथा की आज बुधवार को पूर्णाहुति होगी। कथा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक रखा गया है। आयोजन के सफलतार्थ प्रवीण व्यास, गिरीश झवर, अजय भाटिया, राजेश आचार्य, आशीष तिवारी, राजकुमार पुरोहित, निकिता अंकित शर्मा, अंजलि व्यास, कोमल पीपलवा, मीना जैन, मीनाक्षी हर्ष व समस्त खंडवानी टाउन रहवासियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। कथा का लाभ उठाने की विनती अंकित, रमेश शर्मा व शर्मा परिवार ने की है। मित्रता दिवस के अवसर पर शाम भजन संध्या का आयोजन रविनगर स्थित अग्रसेन भवन में किया गया। इस अवसर पर रामनिवास गर्ग परिवार की ओर से बाबा का सुंदर दरबार सजाकर अलौकिक श्रृंगार किया गया। जयपुर के भजन प्रवाहक संजय पारिक ने बाबा शाम को रिझाते हुए एक से बढ़कर एक शाम भजनों की प्रस्तुति कर शाम प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। शहर के भजन प्रवाहक शाम शुभम ने भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर छप्पन भोग का भी आयोजन किया गया। शाम प्रेमियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर भजनों का आनंद उठाया। महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था के अंतर्गत सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने 8 अगस्त 2022 को लोनारा में भारत की आजादी के अमृत महोत्सव पर्व पर विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव सप्ताह का उद्घाटन किया गया। 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी भाई बहन जो हमारे समाज के अभिन्न अंग है उनकी संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलाना। दरअसल आदिवासियों की संस्कृति प्रकृति के बेहद करीब है। उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का अर्थ होगा प्रकृति की रक्षा करना। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीस अहमद और तुषार मेश्राम उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलित करने और गणमान्य व्यक्तियों के हाथों बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। यवतमाल, नागपुर, वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के आदिवासी क्षेत्रों की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत और लोकगीत प्रस्तुत किए गए। प्रारंभ में संस्था द्वारा अनुरक्षित हर्बल गार्डन में गणमान्य व्यक्तियों के हाथों हर्बल वृक्षारोपण किया गया। मंच पर मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने मेधावी छात्रों को बैग, मोबाइल टैब, वर्दी किट, स्टेशनरी और किताबें वितरित की। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर अनीस अहमद को महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों को ऐसे अवसर प्रदान करने के लिए बधाई दी। स्पंदन संस्था द्वारा संचालित परमेष्ठी विशेष शाला में गुणवंत विशेष विद्यार्थी सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन लिज्जत पापड़ उद्योग समूह के महाव्यवस्थापक सुरेश कोते ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलामंच परिवार के संस्थापक नरेंद्र सतीजा ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पुलक मंच के अध्यक्ष मनोज बंड, दंतरोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष मोदी, कवि अनिल मालोकर, रायसोनी कॉलेज के प्रोफेसर मंगेश बोरकर उपस्थित थे। इस अवसर पर परमेष्ठी स्कूल के गुणवंत विशेष बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए। विशेष बच्चों ने अपनी अनूठी प्रस्तुति से सभी को भाव विभोर कर दिया। संस्था के अध्यक्ष पांडुरंग सोनवणे ने प्रास्ताविक भाषण में कहा कि पिछले 27 वर्षों से संस्था मतिमंद बच्चों की सेवार्थ समर्पित है। उन्होंने गतिविधियों का समुचित विवरण किया। स्पंदन की सेवाओं की सराहना करते हुए सुरेश कोते ने कहा कि प्रकृति एवं ईश्वर ने जो कमियां इन विशेष बालकों में दी है उन्हें पूरा करने का सराहनीय कार्य स्पंदन संस्था कर रही है। उन्होंने संस्था के कार्यों को करीब से देखा है। उन्होंने समुचित सहयोग का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में नरेंद्र सतीजा ने कहा कि मतिमंद बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनकी सेवा करना मानवता की सच्ची सेवा करने जैसा है।
श्री दिगंबर जैन युवक मंडल एवं महिला शाखा और स्वर्गीय गंगाबाई लक्ष्मण राव श्रावणी एजुकेशन ट्रस्ट के संयुक्त पहल से 10वीं व 12वीं व उच्च शिक्षित डिग्री प्राप्त विद्यार्थियों का स्वागत सत्कार कार्यक्रम श्री सैतवाल जैन संगठन मंडल ग्रेट नाग रोड महावीर नगर नागपुर में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम के उद्घाटक विजय शाहकार, सेवानिवृत्त प्राचार्य गजानन हाई स्कूल, कार्यक्रम के अध्यक्ष विनोद श्रावणी, विश्वस्त स्वर्गीय गंगाबाई लक्ष्मण राव श्रावणी एजुकेशन ट्रस्ट, मुख्य अतिथि विशाल जैन, संचालक ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, मुख्य वक्ता अखिल कस्तूरकर, संचालक बैंकिंग सॉल्यूशन आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। विजय शाहगार ने कहा कि कोरोना काल में शिक्षा प्रणाली में काफी बदलाव आया है, उसी के अनुरूप ऑनलाइन पद्धति में विद्यार्थी भी स्मार्ट हो चुके हैं। कस्तूरकर ने विद्यार्थियों को जीवन में सफल होने के कई उदाहरण पेश किए एवं उन्हें शुभकामनाएं दी। विशाल और विनोद श्रावणे एवं महिला शाखा की अध्यक्ष प्रतिभा नखाते ने मेधावी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के अध्यक्ष विनय सावलकर ने कहा कि शिक्षा ही ऐसा शस्त्र है जिसके द्वारा आप सफल जीवन के साथ आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, और उन्होंने संस्था के बारे में जानकारी दी। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। भारत सरकार आजादी के 75वें वर्ष पर घर घर तिरंगा अभियान चला रही है, लेकिन इसे कुछ निजी स्कूलों ने बिजनेस बना लिया है। वे बच्चों को 5 रुपए का तिरंगा 15 रुपए या इससे भी अधिक में दे रहे हैं। इस पर कुछ अभिभावकों ने आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन उनसे स्पष्ट कहा गया है कि ये स्कूल प्रबंधन का नियम है, इसका पालन सबको करना होगा। अभिभावकों का कहना है कि तिरंगा तो वे भी दुकान से दिलवा सकते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन इसकी इजाजत नहीं दे रहा। अभिभावकों का कहना है कि अब तक स्कूल प्रबंधन एडमिशन के साथ स्कूल ड्रेस, किताबों के साथ दूसरी चीजों पर ही कमीशन लेते थे, लेकिन इस बार केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे घर घर तिरंगा अभियान को भी कमर्शियल किया जा रहा है। करोड़ों रुपए हर साल छात्रों से लेने वाले स्कूल प्रबंधन के पास छोटा सा तिरंगा देने के लिए फंड नहीं है, जबकि इसका लाभ उसी को मिलना है। फिलहाल अभिभावक बच्चों के भविष्य को देखते हुए चुप है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के सामने उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसे मामलों की अनदेखी कब तक होती रहेगी। फाइटर प्लेन अपनी गति और आवाज के लिए जाने जाते हैं। जब तक 7-3-3 फाइटर जेट उड़ान भरे तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि आवाज कितनी जबरदस्त होगी। मंगलवार के सुबह एयरपोर्ट के आसपास के लोग तब भौचक्का रह गए जब एक के बाद एक फाइटर विमानों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। आसपास का माहौल कौतूहल से भर गया। इस बीच 3-3 विमानों ने उड़ान भरकर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। जानकारों ने बताया कि सोमवार की रात एक एक कर 9 फाइटर प्लेन ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी। इसके बाद एक हरक्यूलिस विमान भी उतारा गया। रात भर नागपुर एयरपोर्ट पर रहने के बाद सुबह 8 बजे विमानों ने उड़ान भरी। उड़ान की आवाज जोरदार होने से सभी का ध्यान उस ओर अनायास चला गया। जानकारों ने बताया कि सभी विमान दक्षिण कोरिया के थे और फाइटर प्लेन थे। तकनीकी कारणों से इनकी लैंडिंग पहले अहमदाबाद में कराई गई और फिर नागपुर एयरपोर्ट पर हॉल्ट दिया गया। सुबह एक साथ 3-3 कर विमानों ने उड़ान भरी। 3 चरणों में 9 विमान रवाना हुए और अंत में हरक्यूलिस ने अपनी उड़ान भरी। एयरपोर्ट के पास रहने वाले हर्षद कड़वे ने बताया कि रात में ही जब एक एक कर विमान उतरे थे तब आवाज गूंज रही थी। सिटी में करोड़ों के अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट साकार किए गए हैं और कुछ साकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ के एसटी स्टैंड गणेशपेट की किस्मत नहीं बदल रही। कई बार इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का दावा नेताओं द्वारा किया गया, लेकिन दावा अभी तक तो खोखला ही नजर आ रहा है। हालात यह है कि तत्कालीन भाजपा सरकार के समय में नवीनीकरण और कुछ एक्सटेंशन वर्क के लिए 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। कार्य शुरू भी किया गया था, लेकिन आधा अधूरा लटका दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि निधि नहीं मिलने के कारण कार्य अटका हुआ है। 2 वर्ष तो कोरोना काल के चलते कार्य रुक गए और फिर एसटी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई थी, जिससे मंडल को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में फंड नहीं मिला, जिसका बड़ा कारण कोरोना भी था। तत्कालीन सरकार से जो निधि मिली थी वो खर्च हो चुकी है। अब नई सरकार से निधि मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसमें भी समय लग सकता है। हालात ये है कि जिस अंतर्राज्यीय एसटी स्टैंड से रोज ही सैकड़ों फेरियां बसों की लग रही है और हजारों यात्रियों का आना जाना हो, वहां सुविधा के नाम पर कुछ खास नहीं है।
आत्मा ही पूर्णता ही परमात्मा है। ये उद्गार परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के परम प्रिय शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रशम सागर ने अपने उद्बोधन में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मोठे मंदिर के इंद्र भवन में कहे। उन्होंने आगे कहा, हर जीव में परमात्मा बनने की शक्ति है। धर्म यद्यपि स्वभाव है, वो आप ही प्राप्त कर सकते हो। धर्म बहुत सरल है, उसे धारण करने से ही सुख की प्राप्ति होती है। असार संसार के दुखों की भयावता को जानकर जो मानव संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाता है, वही सम्यकत्वी है। ऐसे ही नर मिथ्या देव गुरु धर्म से दूर रहकर मदमोह राग आदि को नष्ट कर तत्वार्थ सार के ज्ञाता शुद्ध होते हैं। निरंतर भ्रमण का नाम ही संसार है। जो प्राणी चारों गतियों से घूम रहा है वो संसारी है, परंतु इस पर दृष्टिपात नहीं किया कि वो क्यों भटक रहा है। किसी दूसरे को दोष मत देना, आप स्वयं राग के कारणों को अपना मान बैठे हो, इसलिए संसार में भटक रहे हो। इससे निकलना है तो राग द्वेष को कम करना पड़ेगा। मुनि श्री अनुपम सागर ने कहा कि संसार दुखों से नहीं भरा है, इसमें जो जीव है वो दुखों से भरे है। कीचड़ का निर्माण पानी से ही होता है और उसे धोया भी पानी से ही जाता है। आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी जैसे चार महत्वपूर्ण पहलुओं के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। सरकार सुदूर आदिवासी इलाकों में सड़कें और पुल बना रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार नागपुर में कहा कि सरकार आदिवासी समुदाय के सदस्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव मदद करना जारी रखेगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने विश्व आदिवासी दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वनामती में आदिवासी विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव और सत्कार समारोह का उद्घाटन किया। वे इस अवसर पर भाषण दे रहे थे। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र मरसकोल्ले, आदिवासी विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र ठाकरे, सहायक अतिरिक्त आयुक्त दशरथ कुलमेथे, सहायक आयुक्त बबीता गिरी, जितेंद्र चौधरी सहित आदिवासी समुदाय के गणमान्य व्यक्ति और पुरस्कार विजेता उपस्थित थे। प्रारंभ में गोंडी पेंटिंग हस्तशिल्प, बांस के कार्य, लकड़ी के कार्य, जड़ी बूटी, आदिवासी बंधुओं द्वारा पारंपरिक तरीके से तैयार भोजन के स्टॉल का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निरीक्षण किया। देश के 120 जिलों में प्रति व्यक्ति के अनुसार आय और जीडीपी के सूचकांक बहुत कम है। इनमें से अधिकांश जिले आदिवासी बहुल है। जिलाधिकारी आर विमला ने शहर के फ्रीडम पार्क स्थित शहीद स्मारक पर अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर पुष्पमाला चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर हुतात्मा स्मारक समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक यादवराव देवगड़े, गोवारी स्मारक समिति के अध्यक्ष कैलाश राउत, रघुवीर देवगड़े, चिंतामण वाघाड़े, शालिक नेवारे आदि मान्यवर उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को आज की पीढ़ी याद रखना चाहिए, इस आशय का आह्वान जिलाधिकारी ने किया। इस अवसर पर स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के अमूल्य योगदान, भारत छोड़ो करेंगे या मरेंगे, चले जाओ आंदोलन सहित भूमिगत आंदोलन में कई क्रांतिकारियों के कार्यों पर प्रकाश डाला गया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक विकास ठाकरे की अध्यक्षता में मध्य नागपुर पदयात्रा का शुभारंभ शहीद चौक इतवारी में मंगलवार सुबह 9 बजे किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ध्वजारोहण किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव बंटी शेलके, प्रदेश सोशल मीडिया अध्यक्ष विशाल मुत्तेमवार, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद, महाराष्ट्र कांग्रेस वाणिज्य व व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव अतुल कोटेचा, महासचिव उमाकांत अग्निहोत्री, कमलेश समर, संजय महाकालकर, डॉक्टर गजराज हटेवार, प्रोफेसर दिनेश बानाबाकुड़े, मोंटी गंडेजा, शेख हुसैन, नंदा पराते, रीचा जैन, नैश अली, गिरीश पांडव, रमन पैगवार, सेवादल अध्यक्ष प्रवीण आगरे, भोला बैसवारे, राजू महाजन, अप्पा मोहिते, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, मोतीराम मुहाड़ीकर, अब्दुल शकील, प्रभाकर खापरे, आशीष दीक्षित, पिंटू बागड़ी मुख्य रूप से उपस्थित थे। मध्य नागपुर में पदयात्रा शहीद चौक, नेहरू पुतला, मस्क सात गोलीबार चौक, मोमिनपुरा मेयो हॉस्पिटल चौक, भगवाधर चौक, बजेरिया, गंजीपेट, भालदारपुरा, अग्रसेन चौक, गांधी पुतला, बड़कस चौक, आचित मंदिर, कल्याणेश्वर मंदिर, गांधी गेट, शिवाजी पुतला से गुजरते हुए देवड़िया कांग्रेस भवन में संपन्न हुई। पदयात्रा में बशीर भाई ने महात्मा गांधी और डॉक्टर ऋचा जैन ने भारत माता के रूप में भूमिका निभाई। जुलूस के सामने दो युवक राष्ट्रीय ध्वज लेकर घोड़ों पर सवार थे। पूरी दुनिया में अगस्त माह में पहले सप्ताह में स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसमें स्तनपान के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विविध उपक्रम किए जाते हैं। एक माता के लिए स्तनपान उतना ही जरूरी है जितना कि एक बच्चे के लिए होता है। ऐसे समय में बच्चे के लिए जो भी आवश्यक सहायता है या उनके लिए पोषक वातावरण का निर्माण करना हमारी जिम्मेदारी है।
इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय जैन संगठन ने 32 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया और उन्हें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए फूड पैकेट दिए। ये कार्यक्रम जूनी शुक्रवार स्थित 5 आंगनवाड़िया में हुई। आंगनवाड़ी सेविकाएं निशा पदोले, छाया कामले, श्रीमती मैत्रा ने काफी परिश्रम लिए। इस परीक्षण में सरकारी आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर के डॉक्टर अनीता बोम्बार्डे, विभाग प्रमुख स्त्री रोग प्रसूति तंत्र प्रीति जाधव, डॉक्टर सुमित्रा जैन, विभाग प्रमुख स्वस्थ वृत्त और डॉक्टर विद्या वास्तिक के साथ वैद्यकीय अधिकारियों ने सेवा दी। इन गर्भवती महिलाओं को स्तनपान कराते समय क्या कठिनाई आएगी और किस तरीके से आहार लेना चाहिए, इसके बारे में प्राध्यापक नीलिना जोशी ने मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की डॉक्टर रेखा शर्मा, शक्ति शर्मा, विनीता मेहता, श्री लक्ष्मी पोर्टलूरी आदि उपस्थित थे। बारिश के दौरान शहर भर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। मुख्य मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो गया है, लेकिन सच तो ये है कि व्यवस्था बिगड़ने के बाद पुलिस की टीम काम पर लगती है। मंगलवार को सीपी अमितेश कुमार से कुछ लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद उन्होंने ट्रैफिक विभाग को जमकर हड़काया। समय रहते व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बारिश होते ही नरेंद्र नगर RUB में पानी जमा होने के कारण आवागमन बंद हो जाता है, इसलिए सारा ट्रैफिक नरेंद्र नगर ROB पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन रोजाना यहां नरेंद्र नगर चौक से रेडिसन ब्लू होटल तक जाम लग जाता है, इससे नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीपी ने कहा कि व्यवस्था बिगड़ने के बाद काम पर लगने का कोई फायदा नहीं। जब अधिकारी जानते हैं कि वहां जाम की स्थिति बनने वाली है तो पहले से पुलिस कर्मियों को व्यवस्था संभालनी चाहिए। ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी कम पड़ने पर संबंधित थाने से स्टाफ बुलाकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इसके अलावा रहाटे कॉलोनी, अजनी पुलिया, झांसी रानी चौक, रामदास पेट, मानस चौक, अग्रसेन चौक, महल, इतवारी, मेडिकल चौक और मानेवाड़ा चौक पर भी हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 68 ट्रेनों को रद्द करने के बाद अब सेंट्रल रेलवे ने 4 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। भुसावल डिवीजन के पाचुरा में यार्ड के आधुनिकीकरण का कार्य तथा मनमाड़ और जलगांव के मध्य थर्ड लाइन का काम चलने के कारण रेलवे ने ब्लॉक किया है। इसके चलते नागपुर से मुंबई और पुणे बीच चलने वाली ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। इनमें ट्रेन नंबर 12136 नागपुर पुणे एक्सप्रेस 13 अगस्त, 12135 पुणे नागपुर एक्सप्रेस 14 अगस्त, 12140 नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस 14 अगस्त तथा 12139 मुंबई नागपुर सेवाग्राम एक्सप्रेस 15 अगस्त को रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के नहीं चलने से मुंबई और पुणे के यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेल अधिकारियों ने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताते हुए कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का कार्य बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व मध्य ने हाल ही में 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया था, जिसके कारण 6 से 16 अगस्त तक यात्रियों को परेशानी होगी। अब सेंट्रल रेलवे के निर्णय 13, 14 और 15 अगस्त को ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने से यात्रियों को मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नामांतर दलित आंदोलन में शहीद हुए भीम सैनिकों को 10 नंबर पुलिया इंदौरा स्थित शहीद स्मारक पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर अभिवादन किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रोग्रेसिव मूवमेंट पदाधिकारियों में अनिल पाटिल, राजेश गजबिये, प्रमोद खोबरागड़े, मनोज रंगारी, रायभान गजबिये, कोमल लेढ़ारे, विकास रंगारी, दीपांकर गणवीर, राजन मेश्राम, सुधीर शंभरकर, नितेश यादव सहित भीम सैनिक उपस्थित थे। सावन माह के अंतिम सोमवार को लेकर कन्हान में भव्य कावड़ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों सहित महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा सहयोग लिया गया। सावन माह के अंतिम सोमवार को लेकर टेकाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र के युवाओं के द्वारा कावड़ शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये कावड़ शोभा यात्रा का शुभारंभ कन्हान के BKCP स्कूल के पास स्थित हनुमान मंदिर परिसर में किया गया। इस अवसर पर कोयला श्रमिक सभा के वेकोली अध्यक्ष शिव कुमार यादव द्वारा कन्हान नदी में पूजा अर्चना कर कावड़ियों को रवाना किया गया। शोभा यात्रा कन्हान गांधी चौक से होकर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 44 से होकर कांद्री होते हुए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय परिसर पहुंची। DJ एवं भाविकों के नृत्य के साथ शुरू ये शोभा यात्रा 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर माड़ी बाबा चारों धाम मंदिर परिसर में पहुंची। मंदिर परिसर में स्थित बाबा भोलेनाथ की मूर्ति पर कन्हान नदी से लाए गए जल से जलाभिषेक कर भव्य महाआरती की गई। इसके बाद आयोजन समिति के द्वारा कावड़ियों के लिए भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया था, जिसका लाभ भाविकों द्वारा उठाया गया। इस कावड़ यात्रा का सूत्र संचालन आचार्य पंडित विनोद कुमार अग्निहोत्री द्वारा किया गया।
रनाला आदर्श नगर महावीर नगर कस्बे में नाग मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंदिर जीर्णोद्धार समिति के नागूराव साबरे, बंसी मेहरोलिया, प्रदीप सपाटे ने बताया कि पिछले कुछ माह से मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य जन सहयोग से चल रहा है। मंदिर जीर्णोद्धार पर अब तक लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। मंदिर परिसर में लाइट, रंग रोगन आदि का कार्य आदि शेष है, जो शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। ज्ञात हो कि आस्था की दृष्टि से ये मंदिर बहुत ही मान्यता प्राप्त है। यहाँ विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नत मुरादें पूरी करने की अरदास करते हैं। उल्लेखनीय है कि मंदिर की जीर्णोद्धार समिति बनी हुई है, जिनमें नागूराव साबले, बंसी मेहरोलिया, प्रदीप सपाटे, अण्णा घोंगे, महेश वंजारी, श्रीराम कुशवाहा, रमैया कोटपल्लीवार, पवन वाढ़े, निखिल सपाटे, भूषण सखदेव, बबलू बागवान, विष्णु काकड़े, नानू पिडलवार, विजय टागभोरे, महेश नायडू आदि पदाधिकारी गण प्रयासरत है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके मी न्यूज़। नमस्कार।